महिलाओं का सही समय पर पीरियड आता रहता है तो उनके दिमाग में किसी भी तरह के विचार मन में नहीं आते हैं, और यदि किसी महीने पीरियड सही समय पर नहीं आता है तो उनके दिमाग में बस यही ख्याल आता है कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं, खासतौर पर जब उसने पिछले दिनों सुरक्षा ना बरती हो, बस यही ख्याल आता है कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं। आज हम इसी प्रेगनेंसी को लेकर आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के लक्षण एवं घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करें और प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। महिलाओं का पीरियड सही समय पर नहीं आता है तो उनके दिमाग में कई तरह के विचार मन में आने लगते हैं। वैसे तो पीरियड में देरी किसी भी वजह से हो सकती है। गर्भवती होते ही महिलाओं के शरीर कई ऐसे संकेत देने लगता है जिससे कि आप खुद गर्भवती होने का अंदाजा लगा सकती हैं। वैसे भी हर महिला को गर्भवती होने के शुरुआती लक्षणों के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। चलिए इसके लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं। पीरियड का सही समय पर ना आना गर्भवती होने का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है। इसमें उल्टी वोमिटिंग की शिकायत बहुत ज़्यादा होने लगती है और खासतौर पर सुबह के समय ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। कमर में धीरे धीरे दर्द होने लगता है, दर्द होते होते ये दर्द बढ़ने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, हार्मोनल बदलाव बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। गर्भावस्था के दौरान ईस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण महिलाओं का हार्मोन स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण महिलाओं में उदासीनता एवं चिड़चिड़ापन नजर आने लगता है। जो महिलाएं गर्भवती होती हैं वे सुबह सोकर उठती हैं तो उनको थकान बहुत ज़्यादा महसूस होने लगती है। प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन बार बार आने लगती है, पेट फूलने लगता है, सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके कपड़े कमर पर सामान्य से ज़्यादा तंग रहने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि गर्भाशय का साइज बढ़ रहा है इसलिए कमर पर कपड़े तंग रहने लगे हैं, बल्कि इसलिए कि हार्मोनल बदलाव बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए कमर का साइज बढ़ जाता है। चलिए बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें और कैसे करें। सबसे अहम सवाल यह है कि पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड मिस होने के एक हफ्ते बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं घर पर किस तरह से प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। ये देखिए मेरे हाथ में प्रेगनेंसी कार्ड का पैकेट है, इस पैकेट को खोलेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। ये पैकेट को मैं फाड़ लेता हूँ, ये मैंने पैकेट को फाड़ लिया है और प्रेगनेंसी कार्ड को बाहर निकाल लिया है। ये मैं बताऊंगा आपको किस तरह से आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। ये इसमें ड्रॉपर है, इस ड्रॉपर से यूरिन ले लेते हैं। ये मैंने यूरिन ले ली है और इसकी मैं केवल 3 ड्रॉप डालूंगा, 2 से 3 ड्रॉप, 2-3 ड्रॉप में ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए 1, 2 और ये 3, ये मैंने 3 ड्रॉप डाल दिए हैं इसमें और ये देखिए रिजल्ट आना चालू हो गया है। बस कुछ ही सेकंडों में इसका रिजल्ट आपके सामने दिखने लगेगा और इसमें देखते हैं ये पॉजिटिव है कि निगेटिव। मैं आपको बताऊंगा, ये इसमें एक लाइन आएगी तो ये निगेटिव है और यदि इसमें 2 लाइन आती हैं तो ये इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। ये देखिए बस कुछ ही सेकंडों में बस रिजल्ट आने वाला है। ये देखिए इसका रिजल्ट आ गया है, इसमें 2 लाइन है, मतलब ये कार्ड पॉजिटिव है। यदि आपको बताए गए दिशा निर्देश के अनुसार प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और प्रेगनेंसी की 2 लाइन आती हैं तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जो गायनोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होती हैं ना, महिलाओं की जो डॉक्टर होती हैं उनसे संपर्क करें ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी का कोई सामना ना करना पड़े। और यदि आप अपने डॉक्टर से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं या दिखा नहीं पा रहे हैं तो आप किसी भी तरह की मेडिसिन का यूज़ ना करें। वैसे भी बिना डॉक्टर की एडवाइस से किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहे। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।